मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आ चुका है। परिणाम आने के बाद मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न होने पर मीडिया से बात की। चुनाव आयुक्त अनुपम राजन ने बताया कि इस बार लोकसभा चुनाव में नोटा को कुल 5,33,705 वोट मिले। इनमें इंदौर में सबसे ज्यादा 2,18,674 और सतना में सबसे कम 2,553 वोट पड़े। वोट प्रतिशत में इंदौर से शंकर लालवानी टॉप पर रहे, उसके बाद विदिशा से शिवराज सिंह चौहान और सागर से लता वानखेड़े को कुल मत प्रतिशत में सबसे ज्यादा वोट हासिल हुए। इस लोकसभा चुनाव में कुल 369 उम्मीदवारों ने अपना भाग्य आजमाया। इनमें से एक ट्रांसजेंडर दमोह से शामिल है। पार्टी को मिले वोट प्रतिशत की बात की जाए तो बीजेपी को 2019 के मुकाबले 1.28% वोट ज्यादा मिले, जबकि कांग्रेस को करीब 2% वोट कम मिले। नोटा को लेकर के काफी चर्चाएं रही, सुर्खियां रही। नोटा जो इस बार हुआ है अपने यहाँ, जो फाइनल फिगर है ईवीएम मशीन का जो नोटा था वो, और जो पोस्टल बैलेट था उसका नोटा था वो दोनों मिला दें तो 533705, 5,33,705, 533705। नोटा सबसे ज़्यादा इंदौर में 2,18,674, 218674, और सबसे कम सतना में 2553। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।